मकर संक्रांति को लेकर झुंझुनू शहर में उत्साह नजर आ रहा है। इस बार दो दिन मकर संक्रांति होने से पतंगबाजों का उत्साह परवान पर है। 14 जनवरी को मकर संक्रांति आरंभ होगी और दान पुण्य 15 जनवरी को किया जाएगा। मकर संक्रांति से सूर्य उत्तरायण होंगे। ठाकुर जी मंदिर के मुख्य पंडित शिव कुमार शर्मा ने बताया, मकर संक्रांति पर पवित्र जलाशयों में स्नान का विशेष महत्व है। इस बार रविवार को संक्रांति आरंभ होगी और पुण्य काल 15 जनवरी को रहने से मुख्य पर्व इसी दिन रहेगा। इसे तिल संक्रांति भी कहते हैं। इस दिन तिल गुड़ का सेवन व दान करने का बड़ा महत्व है। इस दिन गुड़ का सेवन और दान करने से मान सम्मान में वृद्धि होती है। सामान्यतया बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक 14 जनवरी को ही मकर संक्रांति पर्व मनाते हुए इसे पतंगोत्सव के रूप में मनाते हैं। इस बार शीतकालीन अवकाश में पतंगबाजी का आनंद दो गुना हो गया है। वहीं इस बार मकर संक्रांति पर पतंगबाजी दो दिन होगी। 14 जनवरी को रविवार की छुट्टी रहेगी, जबकि 15 को जिला कलेक्टर की तरफ से अवकाश होगा। इससे पतंगबाजों में उत्साह बढ़ गया है। शहर में पतंगों की दुकानें सज गई हैं। लोग पतंगों और मांझों की जमकर खरीदारी कर रहे हैं। इससे व्यापारियों में भी उत्साह।